A very good morning, student. So, again we continue with chapter number seven, that is human health and diseases. Okay? In this video, the topic is addiction and dependence. So, let's start. So, students, addiction. आप सभी को पता है कि addiction मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का नशा करना, किसी भी चीज़ की मतलब आदत पर जाना, लत लग जाना, ठीक है ना? और एंड डिपेंडेंस कह रहा है दैट मीन्स कि जो जिस भी पर्सन को अभी हम किसके एडिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल है टोबैको है सिगरेट है ड्रग्स है इन सब चीज़ों के एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो जो लोग भी इन सब चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हैं वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं ठीक है ना तो वही सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है तो वो कैसा करते हैं ये सब चीज़ें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ़ द परसिव बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटिडली तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है जो ड्रग्स है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो हमको हमारी तबियत ख़राब हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है डिजीज़ वगैरह तो हम क्या यूज़ करते हैं ड्रग्स ही यूज़ करते हैं तो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है और कंटिन्यूसली उसको यूज़ किया जाता ही है ठीक है ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वन फील्स टू रियलाइज़ इज़ द इनहेरेंट एडक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स फिर बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि देखो इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स बोल रहा है मतलब कि जो एल्कोहल और ड्रग्स है उसका जो एडिक्टिव नेचर है मतलब ये क्या होता है जिन लोग भी इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं उनमें धीरे धीरे इन सब चीज़ों के लिए क्या हो जाता है एडिक्शन होने लगता है मतलब स्टार्टिंग में सोचते होंगे कि थोड़ा सा हम ले लेते हैं क्या होगा है ना बट धीरे 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 उनको इस चीज़ की आदत हो जाती है मतलब उनको नहीं मिलता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है या फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े गुस्सा करने इस तरीके का आप टी वगैरह में सब चीज़ें देखते ही हो है ना एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यू फोरिया एंड अ टेम्प्ररी फीलिंग ऑफ वेल एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल तो देखिये बता रहे हैं कि एडिक्शन जो है वो एक तरह का कैसे अटैचमेंट है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है ओके okay? इसमें मतलब कुछ इफेक्ट्स दिखाई देते हैं लाइक like, देखिए यहाँ एक वर्ड दिया यूफोरिया यूफोरिया मतलब क्या होता है मतलब जब भी ये सब चीज़ों को लिया जाता है अल्कोहल है या ड्रग्स है तो उस पर्सन को एकदम ज़्यादा मतलब हर चीज़ें अच्छी लगने लगती है एक उत्साह की तरह उनके मन में आ जाता है ठीक है ना तो ये फीलिंग्स किसको खराब लगेगी अच्छी ही लगती है हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अवैसे बात है हमारा मन एकदम खुश हो जाता है ठीक है ना बट यहाँ पर अच्छा काम करने की वजह से नहीं है यहाँ पर ये लोग जब अल्कोहल और ड्रग्स लेते हैं तब उनको ऐसा फील होता है ठीक है और ये एक टेम्प्रेरी फीलिंग है ऐसा नहीं है कि ये ले लिए तो उनको लाइफ टाइम के लिए वो खुशी रहेंगे चाहे कितना भी दुख हो ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है ना हाँ जिस टाइम लिए हैं उससे कुछ देर तक जैसे रात को लिए तो सुबह तक ऐसी फीलिंग रह जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है और इन्हीं इसी फीलिंग्स को फील करने के लिए लोग इन सब चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं ठीक है ना तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सचेज यू फोरिया एंड अ टेम्प्ररी फीलिंग ऑफ वेल बिंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड एल्कोहल तो ये बता रहा है कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने के बाद उस पर्सन के अंदर एक टेम्प्ररी यू फोरिया वाली फीलिंग आ जाती है मतलब एक अच्छी उत्साह वाली फीलिंग आ जाती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि सब चीज़ ठीक है आस कुछ भी हो रहा है उसका से लगता है अरे ये सब ठीक है करके ठीक है ना तो आप देखते हो कि बहुत से लोग जब बहुत ज़्यादा मतलब दुखी वगैरह होते हैं तो ये सब चीज़ें ना शुरू कर देते हैं ठीक है ना बट ऐसा करना नहीं है देन दिस डिप्राइव पीपल टू टेक दैम इवन वेन दिस आर नॉट नीडेड और इवन वेन देर यूज़ बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तो देखिए वर्ड दिया है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ये बहुत सही वर्ड दिया है मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है खुद से ही अपना पूरी तरह से विनाश कर देना ठीक है ना तो ये जो लोग ड्रग्स और अल्कोहल ले रहे हैं वो क्या करें खुद से ही तो ले रहे हैं कोई उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो पिला नहीं रहा है या खिला नहीं रहा है जो भी है ठीक है ना वो खुद से ही ले रहे हैं उनको लगता है कि अरे इससे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है टेंशन वेंशन सब दूर हो जाता है तो वो क्या करते हैं धीरे 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 जब मतलब उनको कोई टेंशन भी नहीं रहा चलो ठीक है टेंशन था लिए थे लेकिन जब कोई टेंशन नहीं भी है कुछ नहीं है तो भी वो इस सब चीज़ों को ले रहे हैं ठीक है ना तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं अपने अप अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यू, यूज़ हुआ है आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव देन विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ़ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीजेस फिर देखिए बता रहा है कि जब ये जो ड्रग्स वगैरह हैं इसको कंटिन्यूसली कोई लेता रहता है मतलब डेली डेली का उसका हैबिट हो जाता है इसको लेना तो फिर क्या होने लगता है उनके अंदर जो टॉलरेंस लेवल है मतलब रिसेप्टर्स जो हैं टॉलरेट करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं उनके बॉडी में ठीक है कॉन्सिक्वेंटली The receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. फिर देखिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात यहाँ पे बताई है आप देखते हो चलो ठीक है पहले किसी ने थोड़ा सा अमाउंट में लिया अल्कोहल है या ड्रग्स है जो भी है धीरे धीरे वो ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं मतलब उनकी हैबिट तो हो ही जाती है तो वो तो अलग बात है लेकिन उसका जो अमाउंट है जो अमाउंट वो लेते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये रीज़न पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो टॉलरेंस लेवल वाला जो रिसेप्टर है वो क्या हो जा रहा है वो इंक्रीज हो जा रहा है जिसकी वजह से वो जो बंदा है जो एडिक्ट हो चुका है वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों का अमाउंट भी वो ज्यादा लेने लगता है ठीक है ना देन receptors respond only टू हायर doses ऑफ ड्रग्स और alcohol, लीडिंग टू ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन तो वही सेम चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि वो जो रिसेप्टर्स आए हैं उनके अंदर जो रिसेप्टर्स बढ़े हैं है ना टॉलरेंस लेवल लेवल वाले जो रिसेप्टर उनका अमाउंट बढ़ गया उनके बॉडी में तो जब तक वो ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लेते हैं तो वो जो रिसेप्टर वो रिस्पोंड नहीं कर पाते हैं ठीक है ना दैट्स वाई वो जो पर्सन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है जो भी अल्कोहल है ड्रग्स है ठीक है हाईवर इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन माइंड दैट यूज ऑफ दिस ड्रग्स इवन वंस कैन बी फॉर रनर टू एडिक्शन फिर बता रहे हैं देखिए कि ये मतलब कि ये ऐसा माना जाता है ये माइंड में ही आ गया है कि ये जो ड्रग्स वगैरह एक बार ले लो तो धीरे धीरे इसके क्या हो जाते हैं एडिक्ट हो जाते हैं ठीक है दस द एडिक्टिव पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल पुल द यूजर इन टू विशिय विशियस सर्कल लीडिंग टू देयर रेगुलर यूज फ्रॉम विच ही शी मे नॉट बी एबल टू गेट आउट तो देखिए अब हमारा माइंड सेट है कि हाँ एक बार लेंगे तो धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी तो क्या होगा कहते हैं ना मन में जो सोचो वही चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? तो अगर हम सोच के रखेंगे कि नहीं एक बार लेने से ऐसा कुछ नहीं है कि हम एडिक्ट हो जाएंगे तो सी बात है पर्सन एडिक्ट नहीं होगा उस सब चीज़ों का लेकिन वो जो पर्सन जो ये सब चीज़ें लेते हैं तो उनको क्या होता है कि नहीं अब एक बार लेंगे तो अब इसकी आदत हो गई तो जैसे उसने आज फर्स्ट टाइम लिया फिर हो सकता है एक हफ्ते बाद फिर वो लेगा कि अरे यार नहीं मुझे तो आदत होगी लेना और धीरे धीरे करके वो जो एक एक हफ्ते में एक एक बार ले रहा था वो हर दिन हो जाएगा उसका स्टार्ट ठीक है ना तो ये क्या है माइंड सेट ये कि कोई पर्सन एक बार लिया तो उसको उसकी आदत हो जाएगी तो लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं ठीक है देन इन द एबसेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग पर्सन गेट्स एडिक्टेड एंड बिकम्स डिपेंडेंट ऑफ देयर यूज़ फिर बता रहे हैं कि अगर उस पर्सन को कोई गाइडेंस नहीं हो रहा है या कोई काउंसलिंग नहीं करवाई जा रही है काउंसलिंग क्यों करवाया जाता है लोगों को अवेयर करवाने के लिए अब जैसे ये ड्रग्स और अल्कोहल के बेसिस पे काउंसलिंग रहेगी तो इसमें वो सब चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है आपकी बॉडी में इवन आपके सोसाइटी में आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सब चीज़ें उसमें उन सब चीज़ों से अवेयर करवाया जाएगा ठीक है ना तो बट कुछ जो होते हैं जिनको ना ये काउंसलिंग मिल रही है ना ही कोई गाइडेंस है लाइक जैसे मैं आजकल बता रही हूँ होता है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए उनको बाहर भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए लेकिन बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में आके ये सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं और घर वालों को तो कुछ पता नहीं है घर वाले सोच रहे अरे भैया हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कितनी मेहनत कर रहा है बट उनको पता नहीं है कि बच्चा ये सब भी कर रहा है ठीक है ना तो वही चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा कोई गाइडेंस नहीं होता है कोई काउंसलिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से लोग इन सब चीज़ों में और ज़्यादा घुसते जाते हैं ठीक है डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड सिंड्रोम इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज एब्रपली डिसकंटिन्यूड फिर देखिए यहाँ पे आपको एक सिंड्रोम के बारे में बताया दैट इज़ कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम ठीक है तो क्या बता रहा है कि लोग क्या हो जाते हैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं अल्कोहल है या ड्रग्स है जो भी है ठीक है इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है उनकी बॉडी में क्या होता है उनकी बॉडी जो है वो क्या करने लगती है मैनिफेस्ट करने लगती है uh, मतलब उनको एकदम अनप्लीजेंट जैसा सब चीज़ें लगना लग लगने लगता है क्योंकि आप देख रहे हो जब भी ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है तो सामने वाले पर्सन को uh, मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है दैट इज़ कॉल्ड यूफोरिया ठीक है ना तो जब वो नहीं लेते हैं तो उनको हर चीज़ें एकदम नीरस टाइप की लगने लगती हैं तो वो क्या हो रहे हैं वो उस उस चीज़ पर डिपेंड होते जा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अरे जब हम नहीं लेंगे तो हमको मतलब कोई चीज़ अच्छा नहीं है बस दुख ही दुख है इस तरीके का दैट्स वाई वो इन सब चीज़ों के लिए एडिक्ट होने लगते हैं ठीक है एक अनप्लीजेंट सी फीलिंग आ जाती है उनके मन में दिस इज कैक्टर कैरेक्टराइज वाई एंग्जाइटी शेकीनेस नोजी एंड स्वेटिंग विच मे बी रिलीव वेन शी वेन यूज इज रीज रिज्यूम्ड अगेन फिर बता रहा है कि इसका जो जैसे कि कोई पर्सन है वो सोच रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना है मुझे इसका एडिक्ट नहीं होना है तो उसके अंदर ही ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं मतलब एक विट्रल सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है जिसमें उस पर्सन को मतलब जब उसको वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसको कैसे एकदम एंगजाइटी मतलब एकदम घबराहट होने लगेगी बेचैनी सा होने लगेगा उसके अलावा शेकीनेस मतलब कि उनका जो बॉडी है वो क्या होने लगता है एक तो मतलब आपने वो मूवी देखी होगी अगर एक आया था संजू संजय दत्त के ऊपर वो मूवी था उसमें दिखाया गया है इन सब चीज़ों को कि मतलब जब उस पर्सन को वो चीज़ें नहीं मिल रही थी जब उसको बाहर भेज दिया गया था इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए तो उसको कितना अजीब सा फील होने लगता था मतलब एकदम पागलों की तरह वो हरकतें करता था ठीक है ना तो आप उस मूवी में देखे और आई थिंक आप सभी देखे ही होके okay, वो मूवी तो वही बता रहे हैं कि वो जो पर्सन है जिसके साथ ये सब प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है बेचैनी होने लगती है उनकी बॉडी जो है काँपने लगती है और स्वेटिंग होने लगता है पसीने आने लगते हैं मतलब एकदम जैसे आपको लगेगा ये पर्सन गया पागल हो गए हैं इस तरीके का ओके okay? फिर क्या बता रहे विच मे बी रिलीव वैन यूज़ रिज्यूम्ड अगेन फिर बता रहे और उसको रिलीफ कब मिलता है जब फिर से वो ड्रग्स या अल्कोहल लेता है तो उसको लगता है कि चलो अब थोड़ी चैन की सांस वो लेता है बट ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं इन सम केसेज़ विट्रोल सिम्टम्स में भी सेवर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन में नीड मेडिकल सुपरवाइजन फिर देखिए बता रहा है कि आ, मतलब विट्रोल सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं जैसे अभी हमने विट्रोल सिम्टम में क्या क्या देखा एंगजाइटी हो रहा है शिकीनेस हो रहा है नॉजी स्वेटिंग ये सब चीज़ें देख रहे हैं लेकिन कभी कभी ये जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है ठीक है ना मतलब वो जो पर्सन है वो इतना पागल हो जाता है कि आप देखते हो कि बहुत सारे यंग यंगस्टर के बेस्ड सीरियल्स आते हैं जिसमें क्या होता है उनको ये सब नहीं मिलता है तो वो इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपनी मतलब नस काट लेते हैं या कुछ भी अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं ठीक है ना तो वही चीज़ बता रहा है कि ये कभी कभी इतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है कि मेडिकल सुपरवाइजन की भी जरूरत पड़ती है इसमें ठीक है डिपेंडेंस में लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर ऑल सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशियंट फंड्स टू सेटिटेट हिज हर नीड्स द रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स तो, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि डिपेंडेंस जो है वो मतलब मतलब पर्सन जो है क्या हो जा रहा है एक तरह से ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जा रहा है उसको लग रहा है उसका एक माइंड सेट हो गया कि नहीं मैंने ले लिया अब मेरे कोई इसकी आदत होगी मैं नहीं लूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी ठीक है तो ये सब चीज़ें माइंड माइंड सेट है तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा काउंसलिंग होगी तो जो यंग पीपल ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे वही सब चीज़ आपको इसमें बता रहा है तो देखिए आपको ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं ताकि इन फ्यूचर आप ये सब मत करो जब आप कॉलेज में जाओ तो आप इन सब क्योंकि आप भी बाहर निकलोगे घर से पढ़ाई करने के लिए जो भी है ना तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पढ़ो इवन जो आपके आस पास की आपके कुछ फ्रेंड्स ही हैं जो ये सब कर रहे हैं उनको भी रोको इन सब चीज़ों को करने से ठीक है तो इसलिए आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं सो so, आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट देखेंगे कि ड्रग्स और एल्कोहल लेने के बाद जो इफेक्ट हमको दिखाई देता है आज हमने क्या देखा कि ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं तब उस पर्सन के अंदर एक सिम्टम दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम और उसके सिम्टम्स को हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स ठीक है symptoms, और वो सिम्टम में क्या क्या दिखाई देता है तो याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क्स में तो उस सिम्टम में क्या है आपका एंगजाइटी है शिकीनियस है और उसके अलावा आपका नॉज़ी स्वेटिंग है ना और कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो कैसी हो जाती है लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है ठीक है और एक और चीज़ याद रखिएगा कि, कि और डिपेंडेंस जो है क्या है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है मतलब खुद से ही पर्सन अपना अपने आप को ख़त्म कर रहा है ये सब चीज़ें करके ठीक है और जो एक चीज़ और याद रखने लायक है दैट इज़ कि ये सब चीज़ें लेने से क्या होता है उनके अंदर जो टॉलरेंस लेवल वाला रिसेप्टर है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से धीरे 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 वो जो पर्सन है वो आज एक ग्लास ले रहा होगा एल्कोहल तो कल वो दो ग्लास लेगा फिर तीन ग्लास इस तरह से उसका वो जो लेवल है अमाउंट है लेने का वो बढ़ता जाता है ठीक है क्यों क्योंकि क्यों? उनके क्यों? जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो जब तक वो ज़्यादा नहीं लेंगे तो वो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं दैट्स इस वाई ठीक है तो चलिए आज का टॉपिक कंप्लीट थैंक यू हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग